दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, आज 51 दिन से ज्यादा जो हो गए हैं लॉकडाउन को, इंडिया में या पूरी दुनिया में कहीं भी है लॉकडाउन में जो है, आजकल इंडिया वर्सेस कनाडा में जो है 51 दिन से ज्यादा हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा में जो है क्या जो है डिफरेंस है, वहां पर जो है इस तरीके से जो है क्या जो इफेक्ट पड़ा है, इसका क्या इम्प्लीमेंट आया है और किस तरीके से वहां पर जो है लोगों से ट्रीट किया गया है, और कनाडा में जो है उन्होंने किस चीज को ध्यान रखते हुए इस चीज को क्या है, ठीक है। तो उसी चीज पर हम थोड़ा सा जो है वो डालेंगे, लाइट डालेंगे उस चीज पर कि किस तरीके से दोनों में जो है डिफरेंस रहा, ठीक है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं लिख करके आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो बात करूंगा जो 51 दिन से ज्यादा जो है इसे हो गए हैं क्या इम्प्लीमेंट रहा है। सबसे पहली चीज देखिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ देखिएगा इंडिया में जो है हर चीज स्टॉप, बट यही हम जैसे कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने जो है ऑल ओपन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में जितने भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाइक एयरवेज है या फिर आपकी ट्रेन है या आपकी जो है जो जो भी मतलब वो है, सब जो है उन्होंने ओपन किया हुआ मतलब, लेकिन वो जो है हद में, यानी वो जो है लिमिटेड, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उन्होंने जो है वहां पर किया, और उसका वहां पर अच्छा खासा असर दिखा भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कर्फ्यू फोर्स्ड, यानी कर्फ्यू के लिए जो है फोर्स किया गया है वहां पर, बट यहाँ पर जो है कनाडा की बात करूं, पुलिस पोलाइट विथ पीपल, जो वहां की पुलिस है वो जो है पोलाइट रहेगी, नहीं यहाँ पे जो है कर्फ्यू फोर्स रहा के, यहाँ भी घर में रहो और जो है बाहर जरा सा भी ना निकलो, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिक्वर की बात करते हैं हम, लिक्वर जो है यहाँ पर क्लोज, वहां पर जो है सब बंद कर दिया, लेकिन अगर यही हम कनाडा की बात करें तो वहां पर जैसे ओपन बट सोशल डिस्टेंस, ठीक है। उन्होंने बोला कि सोशल डिस्टेंस रहो, लेकिन वो ओपन रखा उन्होंने जो है, लेकिन उसको जो है उन्होंने बंद नहीं किया, ठीक है। इसका भी अच्छा खासा इफेक्ट में रहा और इससे वहां पर काफी जो है अच्छा रहा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्रोसरी की अगर बात करें तो ग्रोसरी आइटम जो है इंडिया की अगर मैं बात करूं कि जो है स्टॉक नॉट अवेलेबल, यानी उन्होंने जो है किया तो लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं रहा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कनाडा में तो यहाँ वॉलमार्ट है और वो जो है वॉलमार्ट स्टॉक, वो मतलब स्टॉक भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वहां पर रखा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा देखिए तो बात कर लेते हैं हम जो है अगले उसकी, वो जो है ये लॉकडाउन अनाउंस फॉर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे पहले जो है यहाँ पर बताया गया, ठीक है। बट यहाँ की अगर मैं बात करूं कनाडा की, नॉट ऑन रीजन ओनली, इफेक्टिव एरिया में जो है वहां पर बताया गया, जहां पर उन्होंने लगा भाई यहाँ पर जो है केस ज्यादा है तो वहीं जो है उन्होंने लॉकडाउन पर किया, लेकिन यहाँ पर जो है अनाउंस कर दिया गया पूरे कंट्री में 4 घंटे पहले, ठीक है। तो जिससे जो लोगों में अफरा तफरी मच गई और बहुत ज्यादा वहां पर जो है केसेस इसकी वजह से भी जो है बढ़े हैं, ठीक है। तो ये था कुछ जो है मेजर इफेक्ट जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका आपकी से रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस, फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा, बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।